सो हेलो एवरीवन, दिस इज गजेंद्र सिंह कटेरिया फ्रॉम करियर जंप एकेडमी। सो आज जो हम लोग टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। और इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है ना। ये टॉपिक समझने के पहले आपको तीन डिवाइसेस के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, उन्हीं डिवाइसेस के ऊपर वो जो लॉ है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो अलग अलग डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसमें जो पहला डिवाइस रहेगा वो रहेगा आपका हीट इंजन, ठीक है। दूसरा जो डिवाइस रहेगा वो रहेगा आपका रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तीसरा जो डिवाइस रहेगा दैट विल बी योर हीट पंप। ये कुछ डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हम लोग डील करेंगे। और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो इन्हीं तीनों पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए डिफाइंड है, ठीक है। सो इन तीनों डिवाइसेस को पढ़ने के पहले भी मैं कुछ और टर्म्स आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला हमारा टर्म है रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है? जैसा कि आपको सबको पता है कि रिजर्वायर मतलब एक जगह, एक स्टोरेज डिवाइस, एक जगह जहां पर हम लोग चीजों को स्टोर करते हैं, ठीक है। सो क्योंकि हम लोग थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो ऑब्वियसली हम लोग हीट स्टोरेज की बात ही करेंगे, ठीक है। सो रिजर्वायर एक्चुअली दो प्रकार के होंगे। एक हमारा रिजर्वायर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सोर्स। और एक जो आपका रिजर्वायर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंक। देखिए, सोर्स और सिंक रिजर्वायर के बारे में काफी सारी बुक्स में एक डेफिनेशन दे के रखी है कि सोर्स मतलब जो कि आपको जिस जहां से हम लेते हैं, जहां से हमको हीट मिल रही है। और जहां अगर हम लोग सिंक की बात करें तो वहीं पे बुक्स में आपको मिलेगा कि जहां पर हम लोग हीट सोर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसा हर बार नहीं होगा, ठीक है। अपन अभी फिलहाल एक जनरल डेफिनेशन लेते हुए चलते हैं कि सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। और सिंक मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है। और हाँ, ऑब्वियसली रिजर्वायर है तो ऑब्वियसली स्टोरेज है, तो यहां पर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है। हाँ, नेचुरली अगर हम लोग बात करें, क्योंकि सोर्स हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है मतलब इसके पास में हीट ज्यादा है, तभी ऑब्वियसली ये नेचुरली हीट सप्लाई कर सकता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं सिंक की, क्योंकि लो टेम्परेचर रिजर्वायर है तो ऑब्वियसली ये हीट को लेगा, ठीक है। ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ नेचुरली हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन कहीं कहीं केस में रेफ्रिजरेटर हीट पंप के केस में हम लोग उल्टा भी करेंगे, मतलब आपको हीट सोर्स में हाई टेम्परेचर रिजर्वायर तक तरफ आपको हीट जाती हुई नजर आएगी, है ना। तो वो डेफिनेशन अगर हम लोग बोले कि सोर्स हमेशा देता है, वो शायद गलत हो सकती है, मे बी उसके पीछे कुछ कारण होगा। मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मैं फिलहाल सोर्स को क्या बोल रहा हूँ, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, एंड सिंक को मैं यहाँ बोल रहा हूँ लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है। ये दो प्रकार के रिजर्वायर होते हैं। एक एक टर्म्स को हम लोग समझते हैं, एक एक फंक्शन को हम उनके देखेंगे, फिर हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, पहले अगर हम लोग बात करते हैं इसकी हीट इंजन की, ठीक है, तो हीट इंजन जैसे हमारे गाड़ियों में जो इंजन लगा हुआ है इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। इंजन करता क्या है? देखो, इंजन में आप लोग पेट्रोल डालते हो, है ना, पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर इंजन के अंदर आता है, वहां पर हम उसमें स्पार्क देते हैं। या डीजल इंजन की बात करें तो सिर्फ एयर आता है और फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। अल्टीमेटली वहां पर क्या होता है, ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के कारण हमको क्या मिलता है, हमको मिलती है हीट, ठीक है। इसी हीट को की मदद से हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, वर्क, ठीक है। तो इंजन को अगर कोई डिफाइन करना चाहेगा तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू वर्क एनर्जी, ठीक है। आइए इसको सोर्स और सिंक के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये रहा आपका सोर्स। अब आप इंजन को साथ में लेते चलिए। आप लोगों ने बेसिक आईसी इंजन के बारे में देखा होगा, ठीक है। ये आपका पिस्टन लगा रहता है और ये वो जगह है, दैट इज योर क्लियरेंस वॉल्यूम, वो जगह रहती है जहां पर कंबशन होता है, वेयर कंबशन टेक प्लेस, ठीक है। सो इसको मैं बोल सकता हूँ कंबशन चैम्बर, ठीक है। यहां वो हीट हम लोगों ने डेवलप करवाई बाय गिविंग सम स्पार्क एनर्जी। सो वो जो सोर्स था, ये आपका वो कंबशन चैम्बर है जहां पर सोर्स था, वहां पर हम लोगों ने क्यू वन अमाउंट की हीट डेवलप करवाई। और वहीं पर हम देखते हैं कि फिर आपका जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ जाता है, अल्टीमेटली वो वर्क करता है और यहां पर हमारा जो क्रैंक शाफ्ट लगा रहता है वो घूमता है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड देन क्रैंक। अल्टीमेटली हमारा क्रैंक शाफ्ट घूमता है और हमारी गाड़ी चलती है, ठीक है। तो मतलब हीट देने से हमको क्या मिल गया, हमको इंजन ने क्या दिया, वर्क दिया। ये हमारा इंजन था जिसने हमको वर्क दिया, ठीक है। अब ये जो फ्ल्यू गैसेस है, मतलब जो पेट्रोल प्लस, मैं आईसी इंजन की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली सीएसआई इंजन की बात कर रहा हूँ, स्पार्क इग्निशन की, तो जो पेट्रोल प्लस एयर का जो मिक्सचर था, फ्लू गैसेस, अब वो बन चुकी है, ठीक है। उसमें कुछ क्यू वन अमाउंट की हीट थी, तब उसने हमको वर्क दे दिया।
स्टिल उसके अंदर कुछ ना कुछ गर्माहट है, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी उसके अंदर अभी भी अवेलेबल है, लेकिन वो हम लोग आउटलेट वॉल के माध्यम से बाहर एग्जिट कर देते हैं। इनलेट से तो आपका आया था पेट्रोल प्लस एयर, और आउटलेट से उसी फ्लू गर्म गैस को हम लोग बाहर सिलेंडर के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। मतलब कुछ अमाउंट की हीट क्या हो रही है आपकी, रिजेक्ट हो रही है, बाहर निकाल देते हैं। मतलब कहां निकाल देते हैं, सराउंडिंग में, एटमोस्फेयर में, ठीक है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना ले लिया हम लोगों ने, T2, ठीक है। ये सोर्स है, यहां से हमको हीट मिली, हमने वर्क प्रोड्यूस करा, कुछ अमाउंट की हीट क्या हो गई आपकी, रिजेक्ट हो गई, ठीक है। कहां हो गई, सराउंडिंग में हुई। ऑब्वियसली T1 इज ग्रेटर देन T2। ये बेसिक काम हुआ हमारे इंजन का, ठीक है। इंजन कितना एफिशिएंट है, कितनी उसकी एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंटली वो काम कर पा रहा है, उसको निकालने का तरीका है। देखिए, हमेशा किसी भी चीज की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कि कितना इनपुट देने पे कितना आपने आउटपुट पाया, ठीक है। कितना इनपुट देने पे कितना आउटपुट पाया, मेरी लैंग्वेज में मैं जो बच्चों को आज तक पढ़ाता आया हूं वो ये लिखता हूं मैं हमेशा, क्या पाया अपॉन में क्या खोया। तो आपने यहां पर क्या पाया, अल्टीमेटली वही है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो आपने यहां पर क्या पाया, ये पूरे सिस्टम में आपकी चाहत क्या थी, आप क्या पाना चाहते थे, तो आप वर्क को पाना चाहते थे, तो योर आउटपुट इज वर्क। और आपने ये पाने के लिए क्या खोया, तो आपने यहां पर स्पार्क दिया था और आपने एनर्जी डेवलप करवाई थी, इसी इनपुट की मदद से आपने W नाम का आउटपुट पाया। तो व्हाट वाज योर इनपुट, तो हम तो बोल देंगे क्या, Q1। तो ये हो गई आपकी एफिशिएंसी, ठीक है। फर्दर W को मैं और भी कुछ लिख सकता हूं, कैसे, देखो आप देखना पड़ा सा, एनर्जी का लॉ लगा रहे हैं हम लोग यहां पर, कि एनर्जी इज कंजर्व। जो Q1 अमाउंट की एनर्जी हम लोगों ने इंजन को दी, वो इंजन ने कुछ अमाउंट का तो वर्क में कन्वर्ट किया, प्लस कुछ अमाउंट की हीट क्या होगी, बाहर रिजेक्ट होगी। तो नाउ वी कैन राइट W इक्वल टू व्हाट, Q1 माइनस Q2। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ W ओवर हियर, यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी व्हिच इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, दैट इज योर एफिशिएंसी। सो इस प्रकार से इंजन का एफिशिएंसी भी निकाल लिया हम लोगों ने, इंजन के बारे में पढ़ भी लिया, इंजन एक डिवाइस है, हीट इंजन की बात कर रहे हैं, एक डिवाइस है जो कि हीट सोर्स हीट लेगा, वर्क प्रोड्यूस करेगा और कुछ अमाउंट की हीट सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देगा, है ना। पूरी की पूरी Q1 हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। और आप लोगों को पता होगा जो हीट है वो एक प्रकार की लो ग्रेड एनर्जी होती है, यानी कि वो एनर्जी जो कि पूरी तरीके से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है ना। हीट को आप पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वर्क होती है हाई ग्रेड एनर्जी, यानी कि वर्क को आप फुल, ऑलमोस्ट फुल अमाउंट हीट में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हाथ रब कर रहे हो, दैट इज समथिंग व्हाट यू डूइंग वर्क, अगर आप वर्क कर रहे हो तो वो हीट डेवलप आपको दिख रही है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप दूध उबाल रहे हो, मान लीजिए आप दूध गर्म कर रहे हो, तो आपने जो उसको हीट दी है, तो क्या हाथों हाथ दूध उबरना चालू हो गया कि नहीं, पहले कुछ हीट उस दूध में स्टोर करी, गर्म हुआ वो, दैट इज इंटरनल एनर्जी, फिर उसके बाद हमको वर्क देखने को मिला, ठीक है। सो ये इंजन के बारे में हम लोगों ने बेसिकली बात करी। यस, फिलहाल हीट सोर्स से हमारी हीट आई है, ठीक है, और हीट यहां पर सिंक में, ये सराउंडिंग क्या है आपका, क्योंकि लोअर टेम्परेचर इसको हम क्या बोलेंगे, सिंक। फिलहाल सिंक में हीट गई, अभी ये डेफिनेशन वैलिड है जो आपको बुक्स वगैरह में देखने को मिलती है। आइए अब रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब अगर रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए हम लोग देखें, सेकंड नंबर का हम लोग बात कर रहे हैं, पहले रेफ्रिजरेटर। यार एक्चुअली रेफ्रिजरेटर करता क्या है, रेफ्रिजरेटर खाने को ठंडा करता है। खाने को ठंडा कैसे करेगा, खाने को ठंडा ऐसे करेगा कि वो जो खाना है उसमें से क्या करेगा, हीट निकालेगा, ठीक है। ये रहा आपका रेफ्रिजरेटर, ये वो जगह है, दिस वन इज द स्पेस टू बी कूल्ड, इस जगह को हमको क्या करना है, ठंडा करना है। मतलब ये आपका वो जगह है, ये वो स्पेस है, जैसे आप रेफ्रिजरेटर को खोलते हो तो जो सामने जगह नजर आती है उसको हम बोलते हैं एवोपरेटर। ये वही एवोपरेटर है जहां पर आपका खाना वगैरह रखा हुआ, इमेजिन कर लो आइसक्रीम रखी हुई है, ठीक है। आइसक्रीम के बनते रखते से आइसक्रीम बनती क्या नहीं, पहले वो दूध रखा हुआ था कुछ, उसके अंदर कुछ अपन लोगों ने मिलाया था, उसमें से हम लोगों ने हीट रिमूव करवाई, ठीक है। सोच लो आप, ये वो जगह है जिसको हमको ठंडा करना है, इसका टेम्परेचर है T2, मतलब इस बार ये लोअर टेम्परेचर है, दिस वन इज लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है। यहां से हम कुछ Q2 अमाउंट की हीट को निकाल रहे हैं, ठीक है, और वही हीट बाहर सराउंडिंग में हम फेंक दे रहे हैं। ये क्या था आपका सराउंडिंग, आप जब फ्रिज के पीछे खड़े रहते हो तो आपको बकायदा गर्म एयर महसूस होती है,
वो गर्म या गर्माहट इसकी अकेले की नहीं है, कंप्रेसर की भी गर्माहट रहती है, लेकिन अल्टीमेटली यहां से जो हम हीट निकाल रहे हैं कंडेंसर के माध्यम से, हम वो हीट बाहर सराउंडिंग में फेंक देते हैं। बट क्या ये नेचुरली पॉसिबल है? यार नेचुरली तो वो हीट हम लोगों ने जो बात करी हीट इंजन में, हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से हायर टेम्परेचर रिजर्वायर तक अगर हम लोग लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको इस रेफ्रिजरेटर को कुछ क्या देना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा, है ना। आप भी अपने घर के फ्रिज को बकायदा बिजली देते हो, पावर देते हो, तब वो चलता है, कंप्रेसर चलता है, रेफ्रिजरेंट घुमाता है। डीप में इसके बारे में और मैंने एक लेक्चर बना रखा ऑलरेडी वीसीआर सिस्टम का, आप यूट्यूब पे देखिए मेरा वीसीआर सिस्टम, मैंने पूरा इसको और ब्रॉडली बताया। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि इसको हमको वर्क देना पड़ेगा, ठीक है। यहां से वो हीट निकालेगा, तभी वर्क दोगे वो हीट निकालेगा, और वही हीट बाहर Q1 नाम से हम कहां देख रहे हैं, बाहर सराउंडिंग, ठीक है। ये जो सराउंडिंग है ऑब्वियसली अंदर जो फ्रिज के अंदर जो जगह है वो ठंडी है, और बाहर एटमॉस्फेयर इस बार क्या है, गर्म है। सो वी कैन से ये इस बार क्या हो गया आपका, अगेन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। तो अब बताइए मुझे हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में तो इस बार हीट जा रही है, ठीक है, और यहां से लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से इस बार हम लोगों ने हीट निकाली है, है ना। तो अगेन अब ये क्योंकि बुक्स में फिर अगेन कंबाइंड डेफिनेशन देके रखते हैं, सोर्स को आप हाई टेम्परेचर रिजर्वायर भी बोल रहे हैं, फिर आप सोर्स को बोलते हो कि वहां से हीट निकाल भी रहे, तो देखो इधर उल्टा हो गया। अभी सोर्स हाई टेम्परेचर रिजर्वायर भी, लेकिन यहां पर हम हीट दे रहे, ठीक है। सो हो सकता है इसके पीछे और कंसेप्ट, मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो यही है कि आप इसको लो टेम्परेचर रिजर्वायर मानिए, एंड सिंक मतलब लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर, एंड सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। सोर्स में भी हम लोग हीट को सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इंजन में एफिशिएंसी निकाली थी, यहां पर हम लोग निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी, शॉर्ट फॉर्म में सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगेन वही है, फिर से मैं वही लिखूंगा, क्या पाया अपॉन में क्या खोया। आपने इसको पाया, किसको पाया, आपकी मेन इच्छा क्या थी, क्या करना था आपको, आपको इस ठंडे को खाने को ठंडा करना था, ठीक है। इस खाने को आपको ठंडा करना था, तो इसमें से आपने Q2 अमाउंट की हीट क्या करी, निकाली, ठीक है। तो ये आपका मेन लक्ष्य था कि आपको Q2 अमाउंट की हीट निकालना, और Q2 अमाउंट की हीट निकालने के लिए आपने करा क्या, आपने वर्क दिया। अब मुझे बहुत देर तक हंसी आती रहेगी, तो इसके लिए आपने करा क्या, आपने क्या खोया, आपने वर्क करा, आपने बिजली दी ना उसको, ये वर्क खोया, ये हो गया आपका सीओपी। अगेन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सेम एज इंजन एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा इधर भी हम लोग लिख सकते हैं, ये सिस्टम दिख रहा है, सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही और ये जा रही, अगेन वी कैन राइट W प्लस Q2 इक्वल टू व्हाट Q1, सो वी कैन राइट W इक्वल टू व्हाट Q1 माइनस Q2, सो जस्ट राइट W ओवर हियर, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, दैट वन इज योर COP, ठीक है। तो ये आपका मेन लक्ष्य था, आपको खाने में से हीट निकालनी थी, और वही हीट किसकी मदद से निकाली, हम लोगों ने ऑब्वियसली वर्क करा, क्योंकि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर नेचुरली हीट नहीं जाएगी, आपको बाहर से मदद लेना पड़ेगी, आपको वर्क करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे बिल्कुल जाएगी, हर बार जाती है हीट इंजन में, वही देखा हम लोगों ने, ठीक है। ये हमने बात करी किसकी, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन, और रेफ्रिजरेशन का बेसिक फंडा समझा। इस सिस्टम को अगर आपको और ब्रॉडली पढ़ना है तो मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर बना के रखा हुआ है, वीसीआर सिस्टम, दैट इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसको आप देखिएगा, सो यू विल हैव वेरी ब्रॉड आइडिया ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। देन लेट अस हेड टुवर्ड्स हीट पंप। हीट पंप क्या करता है, ठंडे देशों में, ठंडे प्रदेशों में कमरा बड़ा ठंडा रहता है, ठंडा कमरा अच्छा है लेकिन बुजुर्गों के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, जवानों के लिए अच्छा है लेकिन बुजुर्ग उस ठंडक में दिक्कत दे जाते हैं, ठीक है। सो हीट पंप की हम लोग बात करते हैं, तीसरी बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, हीट पंप की, ठीक है। अगेन दो रिजर्वायर दिख रहे हैं हमको, एक रहा आपका हीट पंप, हीट पंप का सिंपल सा फंडा नाम समझ में आ रहा है, हीट पंप। एक होता आपका वाटर पंप, घर में लगा रहता है, दैट इज योर हीट पंप। वाटर पंप क्या करता है, कुएं में से पानी निकालता है, छत पे फेंक देता है, छत पे मतलब छत पे जो टंकी लगी हुई है, पानी की टंकी रिजर्वायर है वहां फेंक। हीट पंप क्या कर रहा है, बाहर जो ठंडी हवा है, जो बाहर जो है ना, ये कौन सी स्पेस है, ये सराउंडिंग है इस बार, ठीक है। सराउंडिंग से कुछ उसने ठंडी एयर ली, ठीक है, और उस ठंडी एयर को गर्म करके क्या करा, उसको गर्म करके वही गर्म एयर इस जगह भेज दी। ये वो जगह है विच इज नीडेड टू बी हीटेड, स्पेस टू बी हीटेड, जिसको हमको क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है। ये वो कमरा है आपका, ये कमरा है जिसको आपको गर्म करना है। कहां से गर्म कर रहे हो, बाहर से लिया आपने ठंडी एयर, ऑब्वियसली उसके पास में कुछ ना कुछ हीट होगा,
ना, उस पर हमने वर्क करा, हीट सोर्स उसको दिए और वो Q1 नाम की वो जो हीट थी वो कहां भेज दी हम लोगों ने, दैट इज द स्पेस वी हीटेड। अगेन लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पर नेचुरली हीट नहीं जाएगी, यू हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। यहां पर भी हमने वही करा, पर इस बार लक्ष्य कुछ और था। इस बार आप लोगों को क्या पाया आपने, ये पाया इस बार आपका एम ये था और इनपुट क्या दिया आपने यहां पर वर्क। फिर से इसकी सीओपी निकालिए, तो सीओपी क्या होगा आपका आउटपुट अपॉन में इनपुट। अगेन वही क्या पाया अपॉन में क्या खोया, ठीक है। तो क्या पाया इस बार, इस बार क्या पाना था, इस बार ये Q1 पाना था, क्या खोया ये Q1 पाने के लिए क्या खोया, तो वर्क खोया। ये हो गया आपका सीओपी। नाउ अगेन W यानी कि पावर को हम लोग क्या ले सकते हैं, फिर से Q1 माइनस Q2, आप चाहो तो फिर से वही एनर्जी का लॉ लगा के निकाल सकते हैं। ये आ गया आपका सीओपी, किसका हीट पंप का, वैसे रेफ्रिजरेटर का निकाला वैसे इंजन का निकाला। तो ये बेसिक बात होगी हमारी, तीनों प्रकार के डिवाइसेस हमने समझ लिए, इंजन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, तीनों डिवाइसेस हम लोगों ने समझ ली, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपका सिंक, ठीक है। इस बार ये क्या आपका सिंक है, लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर एंड दैट वन इज योर सोर्स, क्योंकि ये वो जगह है जिसको हमने गर्म किया है, तो ऑब्वियसली T1 इज अगेन ग्रेटर देन T2, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर हीट पंप। अब तीनों डिवाइसेस को मैं फिर से आपको डिवाइस करवाता हूँ। हीट इंजन की बात हमने करी, हीट इंजन में हम लोगों ने एक प्रकार की एनर्जी दी Q1, W अमाउंट का वर्क पाया और Q2 अमाउंट की हीट रिजेक्ट हो गई। मतलब एक इंजन को अगर आप हीट दोगे तो वो कुछ तो वर्क देगा और कुछ अमाउंट की हीट रिजेक्ट करवा देगा। ये है सेकेंड लॉ के पहले स्टेटमेंट जिसको किसने दिया था, कैल्विन ब्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है। कैल्विन ब्लैंक स्टेटमेंट यही है कि किसी भी इंजन, कोई भी इंजन अगर उसको आप Q1 अमाउंट की हीट दे रहे हो तो ऑब्वियसली W अमाउंट का वर्क तो दे ही रहा है, साथ में Q2 अमाउंट की हीट रिजेक्ट भी करेगा। मतलब किसी प्रकार ऐसा कोई आप इंजन दुनिया में नहीं बना सकते जो कि पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। ये किसने बोला, कैल्विन ब्लैंक, पहला स्टेटमेंट सेकंड लॉ का। दूसरा स्टेटमेंट क्लॉशियस स्टेटमेंट बाय फॉर रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप, दोनों में हमने देखा। ये मैं मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पे लिखाना है। सेकंड जो स्टेटमेंट है क्लॉशियस स्टेटमेंट, उन्होंने ये बोला कि अगर आपको लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का अगर हीट को सप्लाई करवाना है तो आपको बाहर से क्या मदद लेना पड़ेगी। दैट मीन्स यू कैन नॉट सप्लाई हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर टू हायर टेम्परेचर रिजर्वायर विदाउट एक्सटर्नल एड। आई मीन यू हैव टू टेक सम एक्सटर्नल एड सो टू सप्लाई हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर टू हायर टेम्परेचर रिजर्वायर। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गिवन बाय क्लॉशियस, ठीक है। तो जो नेचुरल चीज आपको जो दिख रही है वही स्टेटमेंट है जो कि दिए गए हैं। तो कैल्विन स्टेटमेंट एक हो गया और एक क्लॉशियस स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एंट्रोपी वगैरह इसमें डिस्कस होगी, अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी, इसके बारे में आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कभी ना कभी बात करूंगा, ठीक है। सो अगेन जिन भी लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो सो दैट मेनी कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच प्लीज।